घोटाले करेंगे। ऐसे केजरीवाल पे मुसलमान होने के नाते मैं नालत भेजता हूँ और इसको 24 के चुनाव में मुसलमान वोट नहीं देगा, इसका सोपड़ा साफ करेगा। प्रधानमंत्री जी तुमसे डर गए लगता, तुम तो नहीं डरे ना, तो तुम लाओ ना उन्हें छुटा करके, तुम तो उनकी सफाई पेश करो ना, तुम तो उनको दीजिए ना लायक सबूत के हाँ ये बेगुनाह है। अगर प्रधानमंत्री जी डर गए, उन्होंने भेज दिए, अरे तो तुम तो छुटा के लाओ ना, तुम सबूत दो ना, तुम तो कहते थे कि हमारे पास बहुत सबूत है, अरे सबूत होते तो कोर्ट छोड़ती नहीं उन्हें। लेकिन अब उन्हीं केजरीवाल साहब पर यह आरोप है कि केजरीवाल साहब 45 करोड़ का घर बना लेते हैं। केजरीवाल साहब जब वादा करते हैं कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा, तब भी केजरीवाल साहब जबरदस्त सिक्योरिटी में चलते हैं। और उसी दिल्ली की जनता, जिस दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को सीएम बनाया था, दिल्ली की गद्दी दी थी, आज वो दिल्ली की जनता गर्मी के इस मौसम में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरने पर हैं। हालांकि केजरीवाल साहब भी धरना दिया करते थे, लेकिन अब दिल्ली की जनता से केजरीवाल साहब मिलने नहीं आए। क्यों आप लोग धरने पर हैं, क्या दिक्कत हो गई, ऐसी क्या परेशानी हो गई? अरविंद केजरीवाल तो कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं अपने आप को। यही सोचकर तो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को ईमानदार समझकर वोट दिया था और इस चोर को गद्दी पर बिठाया था। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल पूरा भ्रष्ट हो गया है। इसके अनेक मंत्री जेल के पीछे हैं और कुछ ही दिन में केजरीवाल भी जेल के पीछे जाने वाला है, क्योंकि अनेक झूठ सामने आ गए हैं। आप शुरू से अगर मैं लेकर के चलूं, जब ये सत्ता में आए थे तो कितना झूठ बोला था कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कांग्रेस को गालियां देते थे, बीजेपी को गालियां देते थे। आज कांग्रेस का दामन थाम लिया, कांग्रेस से हाथ मिला लिया, पप्पू से हाथ मिला लिया, तो ये झूठ नहीं है तो और क्या है? वो कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, आज 45 गाड़ियों के काफले के बीच में चलते हैं, ये झूठ नहीं है। जनता के साथ तो और क्या है, धोखा नहीं है तो और क्या है? वो दिल्ली की जनता को पेंशन देना चाहते थे, आज पेंशन नहीं मिल रही है, ये झूठ नहीं है तो और क्या है? मैं कितने झूठ बोल झूठ कितने झूठ उसके दिखाऊं आपको, कितने झूठ बताऊं, बताते बताते मुंह थक जाएगा, गला सूख जाएगा। लेकिन कहा जा रहा अल्पसंख्यक तो केजरीवाल जी से खुश थे, मुस्लिमों के लिए तो केजरीवाल ने वो कर दिखाया जो कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया था, फिर भी केजरीवाल से नाराजगी। क्या कर दिखाया, क्या कर दिखाया? कुछ नहीं कर दिखाया। जब मरकज की बारी आई तो सबसे पहले मौलाना साद को गिरफ्तार करने के लिए केजरीवाल ने कहा, तो ये केजरीवाल कहाँ किसी का हितैषी है, इसके लिए ना हिंदू है ना मुसलमान है, इसके लिए तो अपनी खुद की भ्रष्टाचार वही उसका ईमान है, अपना घर भरो वही उसका ईमान है, चोरी करो वही उसका ईमान है, घोटाले करो ये केजरीवाल का ईमान है, उसके पास ईमान नाम की और कोई चीज़ नहीं है। अरे कह रहे आपकी बार 2024 का इलेक्शन आने दीजिए, मोदी जी को हटाएंगे गद्दी से, केजरीवाल जी को की बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। केजरीवाल का तो सुपड़ा साफ होने वाला है 24 में। आप कहां सपना देख रहे हैं पत्रकार जी, ये अब कहना भी भूल जाइए, आप भी शर्मिंदा होंगे अगर ये बात कहेंगे तो, क्योंकि 2024 में दिल्ली पे भी शेर काबिज होगा, केंद्र में भी शेर है, वो शेर है एक ही नाम, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी। योगी आदित्यनाथ को कैसे देखते हैं आप? देखिए मोदी जी के सहयोगी हैं योगी आदित्यनाथ। आपने देखा नहीं यूपी में कितना अच्छा राज चल रहा है, गुंडा राज खत्म हो गया, चोरी खत्म हो गई, सारे चोर तो दिल्ली में आ गए, केजरीवाल ने बुला लिए, ये केजरीवाल खुद चोर है। अरे उत्तर प्रदेश के राज में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आप जो पहले वहाँ एक औरत शाम के टाइम निकल नहीं पाती थी, आज रात को 12 बजे एक औरत आराम से निकल कर चली जाती है। यहाँ तो दिल्ली में राशन कार्ड के नाम पर और वहाँ रात को 12 बजे महिला निकल कर जा रही है साफ सुथरी, उसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता। ये तो केजरीवाल के मुंह पे नालत भेजो, जो इसके मंत्री मसाज कराते हैं, पकड़े जाते हैं थाने जेल में भी, वहाँ भी चैन नहीं आता इनको, वहाँ भी इन्हें रंगरलियाँ सूझ दी हैं, मसाज करवाएंगे साहब, घोटाले करेंगे। ऐसे केजरीवाल पे मुसलमान होने के नाते मैं नालत भेजता हूँ और इसको 24 के चुनाव में मुसलमान वोट नहीं देगा, इसका सोपड़ा साफ करेगा। कहते हैं मुस्लिम वोट नहीं देगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सपना तो है कि अब की बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कुर्सी पर अब की बार सीएम की छोड़ के पीएम की बैठेंगे। देखो सपने देखने के लिए सबको आज़ादी है, इसीलिए बौखलाया हुआ है, इसीलिए दिख रहा है कि आने वाले 2024 में क्या होगा। पीएम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी।
केजरीवाल जी के केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे उससे खुश नहीं हो आप? क्या कौन सा वादा पूरा किया उन्होंने? हाँ, बिजली फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। हाँ तो पानी फ्री दिया तो था, पानी फ्री को छोड़ करके भाग गया था, दिल्ली को जनता को डूबता हुआ छोड़ के भाग गया। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही सबसे पहले आगे आई थी। झील बनाया तो दी थी, बनाया तो था पेरिस, झील बनाया था, कहाँ थी वो? बरसात का पानी बहा फिरा, वो झील ही तो थी उसकी, वही वादे थे उसके, वो झूठे वादे सारे। कौन सा वादा सच्चा? गर्मी पड़ रही है, सड़कों पर क्यों उतरे आप? सड़कों पर जो हम उतरे हम इसके भ्रष्टाचार सारे, शिक्षा में इसका भ्रष्टाचार, दारू में इसका भ्रष्टाचार, कोई भी डिपार्टमेंट हो सारे में भ्रष्टाचार। जिस चीज के लिए लेकर के आया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में तो खुद तीन मंत्री, इसके दो दो मंत्री जेल में जा चुके हैं भ्रष्टाचार में। सत्येंद्र जैन अभी तक नहीं आए, मनीष सिसोदिया को देख लीजिए। अरे वो तो कह रहे प्रधानमंत्री डर गए इसलिए सबको जेल भिजवा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी तुमसे डर गए लगता, तुम तो नहीं डरे ना, तो तुम लाओ ना उन्हें छुटा करके, तुम तो उनकी सफाई पेश करो ना, तुम तो उनको दीजिए ना लाया सबूत के, हाँ ये बेगुनाह है। अगर प्रधानमंत्री जी डर गए, उन्होंने भेज दिए, अरे तो तुम तो छुटा के लाओ ना, तुम सबूत दो ना, तुम तो कहते थे कि हमारे पास बहुत सबूत है। अरे सबूत होते तो कोर्ट छोड़ती नहीं उन्हें, कोर्ट क्यों बिठा के रखती उन्हें? क्या कहेंगे चाचा, मुस्लिम भी नाराज हो गए अब केजरीवाल से? केजरीवाल तो रहनुमा बनते थे। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम नाराज है। नाराज है क्या लग रहा, जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाए क्या? कौन सा वादा पूरा करा? सारी जो है देख लो, DTC घटा रहा है, पानी देख लो नई दिल्ली में बेकार आ रहा, बिजली के बिलों में जो है गड़बड़ी है, क्या वायदा उन्होंने जो है पूरा करा? कोई भी वायदा पूरा नहीं करा। मोदी जी बढ़िया है, मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे 24 में भी, 24 में मोदी के अलावा कोई नहीं, नहीं। केजरीवाल को देख लो प्रधानमंत्री बना लो एक बार, नहीं नहीं मोदी जी को देंगे। क्या भैया? अभी मोदी जी बनेंगे, मोदी जी, मोदी जी जब तक मोदी जी है मोदी जी रहेंगे यहाँ पे हिंदुस्तान हो, यूपी में ही मोदी जी जाएंगे योगी के साथ, योगी के साथ। हाँ, योगी मोदी जी के साथ दिल्ली आएंगे? वो तो मोदी, योगी जी तो मोदी जी के नीचे हैं, मोदी जी नंबर वन। अच्छा। राजा तो राजा ही रहेगा, राजा राजा भाई राजा है वो। अखिलेश यादव कह रहे हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं, लाल किले तो झूठ बोला आपकी बार। अखिलेश यादव झूठ बोलता? अखिलेश यादव आते तो अखिलेश यादव की सरकार क्यों नहीं बनी? उनके जो जो उनके जो जितने समंतर थे वो सारे योगी जी के पास क्यों चले गए? क्यों चले गए योगी जी से? मतलब योगी जी क्यों जीते वहाँ से इलेक्शन, ये तो बताओ। कह रहे योगी जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं। कोई बुलडोजर नहीं चलवाते, वो जायज कर रहे नाजायज नहीं कर रहे। अच्छा। बदमाशों ने कब्जे कर करके लोगों ने पता ही क्या क्या कर रखा है वहाँ यूपी के अंदर। जिसकी 10 जगह नहीं थी उसने 100 जगह बना रखी है, वो सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। क्या लगता है, एक बार एक तरफ दिल्ली की जनता फिर सड़कों पर है और अरविंद केजरीवाल जी के जो भ्रष्टाचार के आरोप है उन पर जनता का मोर्चा खोल दिया? बिल्कुल, केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसने जो है पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। बिल्कुल आए थे भ्रष्टाचार को मिटाने और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, और वो खुद नहीं उनका पूरा गैंग इसमें है, शामिल है। जो लोग उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाया उनको उन्होंने लात मार के बाहर भगा दिया। ये उन्होंने सिर्फ एक मुश्त अपने हाथ में सत्ता रखने के लिए, अपने हाथ में सब चीज़ों को रखने के लिए, चाहे वो अन्ना हजारे जी हों, आज उन्हीं अन्ना हजारे जी ने उनको जो है बताया कि क्या नाम है, ये ऐसा व्यक्ति मैंने चुना कि जिसको मैं खुद पछता रहा हूँ। आज वो सबसे बड़ी भूल शायद उनकी जिंदगी की है कि उन्होंने केजरीवाल जी को अपने मंच पर स्थान दिया। उन्होंने उस स्थान का लाभ उठाकर दिल्ली की जनता की भावनाओं को खेल कर आज जो है यहाँ पर पहुँचे। क्या लगता है, कहा जा रहा था कि झाड़ू का निशान हमने इसलिए लिया है कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है उसकी सफाई करेंगे, लेकिन आज उसी कांग्रेस के साथ 26 दलों में शामिल हो गए केजरीवाल? बिल्कुल, आज उनके तलवे चाट रहे हैं, उनके द्वार पर जाके जैसे मतलब, और वो लोग उनका समय नहीं दे रहे जिस तरीके से। आज वो दोनों फिर जिस तरीके जो उनको गालियां बकते थे, आज वो भी अपनी तरफ से जो है इनको गले मिलाने के लिए बैठे हैं। तो बड़ा दुर्भाग्य है कि एक कहीं ना कहीं एक मर्यादा होती है एक आदमी की, खुद तो कम से कुछ तो आत्मीयता होती है ना, उनके साथ जाके जो है गले मिलने की कोशिश कर रहा है। वही कांग्रेस है जिसको वो गाली देता था, कांग्रेस भी जो है उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार बैठी है। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है और राजनीति के लिए मतलब एक तरीके से बहुत ही नकारात्मक चीज़ है। समझौता होता है आपस में, अलायंस भी होता है आपस में, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत सोच पॉजिटिव सोच के साथ होता है, सकारात्मक जो सोच होती है उसके साथ में होता है, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल विपरीत है। उनको गाली देके उनके खिलाफ बच्चों की कसम खाकर सब कुछ कर, लेकिन मैंने पहले भी बताया था कि ये सिर्फ वही है, ये कांग्रेस का जो है ना एजेंडा, जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार था, नई बोतल जरूर लाई, शराब हुई पुरानी है इनकी।